नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। बता दें कि लालू यादव का इन दिनों पटना के पारस अस्पताल में इलाज चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अस्पताल में भी मौजूद थे, उसी समय नीतीश कुमार वहां पहुंचे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लालू यादव से मुलाकात करवाया। आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पताल में जाकर लालू यादव का हाल चाल जाना। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि लालू यादव शाम को 7 बजे पटना से दिल्ली एयर एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा, यानी कि उनको जो है बेहतर स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली ले जाया जाएगा। नीतीश कुमार ने अस्पताल में डॉक्टरों से लालू यादव का हाल चाल जाना। लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य लाभ को लेकर तेजस्वी यादव राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस से उन्हें जो है दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी स्थिति पहले से बेहतर, यानी कि लालू प्रसाद की स्थिति जो है पहले से बेहतर। उन्होंने कहा कि दिल्ली ले जाया जाएगा और हर हाल में टेस्ट कराया जाएगा, सब कुछ सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार ने जल्दी ही स्वास्थ्य होने की कामना की। इस दौरान बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि लालू जी को सिंगापुर ले जाना था 10-15 दिन के बाद, लेकिन अब फ्रैक्चर हो चुका है। दिल्ली में डॉक्टरों से बात करेंगे तो सिचुएशन जैसा होगा उस हिसाब से तय किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया है कि सीएम नीतीश कुमार लगातार लालू यादव को लेकर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार जानकारियां ली जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी लालू प्रसाद यादव का हाल चाल जाना। साथ ही साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने भी लालू प्रसाद यादव का हाल पूछा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी पारस अस्पताल में हैं, लालू प्रसाद का यहाँ इलाज चल रहा है। हम सभी से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अस्पताल ना आए और अपनी जगह पर ही रह के उनके स्वास्थ्य की दुआ करें। आपको बता दें कि लालू यादव जिस अस्पताल में भर्ती हैं वहाँ लोगों का जमावड़ा लग रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है। बता दें कि लालू यादव को देखने के लिए बिहार के नेता और मंत्री पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को राबड़ी देवी के सरकारी आवास में कमरे की सीढ़ी चढ़ने के दौरान लालू यादव गिर गए थे। इस दौरान उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था, साथ ही साथ कमर में भी चोट आई थी। उनको इस दौरान दर्द की दवा दी गई थी, लेकिन उनकी बेचैनी रविवार की देर रात को बढ़ने लगी, जिसके बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। बता दें कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लालू यादव पहले से ही किडनी, हार्ट, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाने वाले थे, लेकिन इधर इस तरह की घटना होने के बाद उस पर ब्रेक लग गया है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव को पटना से दिल्ली एम्स में एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा। तकरीबन 7 बजे का वह समय होगा जब लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली जाएंगे, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली में बेहतर इलाज हो सके। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से लेकर राजद के बड़े नेताओं ने भी उम्मीद जताई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।